सो गाइस, क्या आपको पता है कि ऐसा कोई सागर है जिसमें लोग डूबते नहीं है? क्या आप जानते हैं कि ऐसा कोई लाइब्रेरी है जिसमें 2-3 हजार नई करोड़ों में पुस्तकें हों? तो गाइस, मैं आज आपको ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट बताऊंगा। आप मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को ज्यादा लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। मेरा वन नंबर फैक्ट। सो गाइस, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे सैड रहने वाला एनिमल्स कौन सा, गाइस शायद ही आप बता पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपको बताना चाहूंगा, ये जो आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं इसे हम पोलर बियर के नाम से जानते हैं। सो गाइस, यह एक भालू का टाइप होता है। मेरा टू नंबर फैक्ट। सो गाइस, वैसे तो आप पिक को देखे होंगे, बट गाइस मैं आज आपको इसके ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट बताऊंगा जिसको सुनने के बाद सडनली आप सरप्राइज हो जाएंगे। तो गाइस, ये जो सुगर होते हैं ये आसमान की तरफ नहीं देख सकते। मेरा थ्री नंबर फैक्ट। सो गाइस, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का ऐसा कौन सा सागर है जिसमें कोई डूब नहीं सकता, तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं इसे हम मृत सागर कहते हैं, इसमें कोई भी डूब नहीं सकता। मेरा फोर नंबर फैक्ट। सो गाइस, वैसे तो जो आप लाइब्रेरी देखते हैं वो नॉर्मल लाइब्रेरी होते हैं जिसमें 5,000-6,000 तक पुस्तकें रखी होती हैं, बट ये जो आप लाइब्रेरी देख रहे हैं इसे हम द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के नाम से जानते हैं, या दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। गाइस, अमेजिंग की बात यह है कि इस पुस्तकालय में लगभग 17 करोड़ से भी ज्यादा पुस्तक रखी है और यह लाइब्रेरी वाशिंगटन DC में स्थित।